Hello students, a very good evening to each and every one of you. Today I am going to unravel the marking scheme of term 1 examinations conducted by the Central Board of Secondary Education for class 10th English, set number 002/2/4. Today we are going to discuss the marking scheme of this question paper, which has the code number 002/2/4. My dear students, during the discussion of the marking scheme, I will adhere to the marking scheme provided by the CBSE. The answers which have been, the correct answers which have been provided by the CBSE, I will stick to those answers only which are considered to be correct. But at the same time, I will also tell you about the discrepancies that took place in today's examinations. बच्चों, आज जो एग्जाम टर्म वन एग्जाम इंग्लिश का सीबीएसई ने कंडक्ट कराया, जिन बच्चों का सेट नंबर 002/2/4 जिन जिन सेंटर्स पर रहा होगा, आप सभी ने कुछ प्रॉब्लम्स जरूर फेस किया होगा. उन हर एक सेंटर्स पर एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया, क्वेश्चन नंबर 13, 14. आई थिंक आपको याद आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में केवल ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस मिसिंग थे. और यही प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 41 में भी बच्चों ने फेस किया, जिसमें दो ऑप्शंस दोनों सेम थे. बच्चों ने प्रॉब्लम फेस किया, आपने कंप्लेन भी किया होगा, बट उसको उस कंप्लेन को सीबीएसई ने ही सॉल्व किया. बाद में नोटिफिकेशन आया उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का. बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं बोलना चाहूँगा कि सीबीएसई, आई एम नॉट हैविंग एनी ग्रज अगेंस्ट सीबीएसई, बट मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के फेवर में ये बात रेज करना चाहूँगा. आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन, आई एम रेजिंग माई वॉइस इन द फेवर ऑफ माई स्टूडेंट्स और ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन टूडेज एग्जामिनेशन, that the CBSE is setting the question paper. क्या उन question paper को proof नहीं किया जाता? क्या उन question paper की authenticity को check नहीं किया जाता? बच्चों के पास वो question paper आने के बाद ऐसी problems क्यों आ रही है? सारी चीज़ें school teachers पर impose कर दी गई हैं, सारे burden schools face कर रहे हैं, but CBSE क्या एक question paper भी ढंग का set नहीं कर पा रही है? ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सीबीएसई की रेपुटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है. इसको सीबीएसई को चाहिए, आई वॉन्ट दैट द सीबीएसई शुड लुक इनटू दिस मैटर, कि ऐसे लूप होल्स क्वेश्चन पेपर्स में ना आने पाए फ्यूचर में, क्योंकि इससे बच्चे तो नर्वस होते ही हैं, प्लस उनका रिजल्ट भी हैम्पर करता है. नो डाउट, मैं ये भी कहूंगा कि ड्यूरिंग द इवेल्युएशन टीचर्स, they always think about the, you know, in the favor of their students. CBSE also thinks in the favor of the students. और जो benefit of doubt है वो बच्चे को ही दिया जाता है. जिन जिन cases में MCQs के options same हो गए, वहाँ पर बच्चों को उन दोनों options पर marks award किए गए. But ऐसी situation arise क्यों हो रही है? This is a point to ponder. ये सोचने का विषय है. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, बच्चों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम फेस की इस सेट में, अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम फेस की, तो यू नीड नॉट टू बिकम नर्वस. सीबीएसई विल टेक डिसीजन इन योर फेवर ओनली. कोई भी डिसीजन, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो सीबीएसई हो, वो आपके अगेंस्ट में नहीं लेगा. वो एरर सीबीएसई के साइड से थी, बोर्ड के साइड से थी, बोर्ड ने उस इश्यू को बाद में रिजॉल्व भी किया. एंड वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन इवेल्युएटर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया गया. तो आज मैं जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, यहां पर कोई मैं टेंटेटिव आंसर नहीं दूंगा आपको, मैं आपको स्ट्रेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा. सो इट विल बी मच बेटर इफ यू आर हैविंग योर क्वेश्चन पेपर, प्लीज ओपन अ क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड टिक द ऑप्शंस व्हिच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल आंसर्स व्हिच इज एज पर द मार्किंग स्कीम इश्यूड बाय द सीबीएसई. और
लास्ट में मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अभी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। एक बात और, मार्किंग स्कीम के डिस्कशन के बाद आपको अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने नेम के साथ जरूर ये कमेंट करेंगे कि आपने कितने स्कोर किए, आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया। सो प्लीज डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। रीडिंग पैसेज में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा अगर मैं रीडिंग पैसेज को मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई डोंट वॉन्ट दैट द वीडियो शुड बी लेंदी। सो मैं सिर्फ आंसर्स पर स्टिक करूंगा। अच्छा हाँ, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन भी करता जाऊंगा। सो प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर वन, पैसेज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। आई थिंक यू हैव गॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन ऑफ पैसेज वन, इंग्लैंड और ब्रिटेन टर्न बाय टर्न केम अंडर द रूल ऑफ। यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है एज पर द मार्किंग स्कीम इश्यूड बाय द सीबीएसई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रोमन्स, सैक्सन्स एंड नॉर्मन्स। यहां पर क्वेश्चन नंबर वन में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वहीं पर क्वेश्चन नंबर टू में अगर हम आए, द आर्टिकल डिस्क्राइब्स, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन टू में ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज टिक करते चलिए, बाद में आपको मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यू हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स ओवर हियर, और इनके बेस पर जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सी। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना था, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपने पैसेज को पढ़ा होगा एंड आई अज्यूम दैट मैनी ऑफ यू मस्ट हैव टिक्ड द और डार्कन द करेक्ट सर्कल। और मैं हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, आप कहीं से भी मार्क्स लूज ना करें। बेटा आप जरा भी होपलेस ना हो, पेपर आपने अच्छा किया होगा और इवेल्युएशन के टाइम में आपके ही बेनिफिट में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो आपको जरा भी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपना बेस्ट देना है। यू आर द बेस्ट, यू हैव टू थिंक लाइक दिस। अगर हम क्वेश्चन नंबर फाइव पर आए, क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, जहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स में यू हैव बीन गिवन फोर स्टेटमेंट्स और उसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, अगेन यू हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज एन assertion एंड बी इज द रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगेन आपको देखिए फोर स्टेटमेंट्स दिए गए, अब इनके बेस पर आपको चेक करना है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर एट में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी एंड डी बोथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर टेन, एनी ग्लिमरिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ग्लिमरिंग इन द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड एज अ मेटाफर एंड ग्लिमरिंग स्टैंड्स फॉर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अ ग्रेट होप। क्वेश्चन नंबर टेन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अब पैसेज नंबर सेकंड पर आते हैं, जिसमें से आपको एनी सिक्स करने थे। आई थिंक आपने इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ा था। पैसेज नंबर वन में आपको टेन में से कोई एट करने थे एंड सेकंड पैसेज में आउट ऑफ एट आपको एनी सिक्स करने थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आते हैं पैसेज नंबर टू का पहला जो क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन नंबर इलेवन।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इन क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 12 बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में एरर था, इसमें क्वेश्चंस था ही नहीं. बाद में आपको नोटिफिकेशन दिया गया होगा कि पैसेस के बेस पर, सेकंड पैसेस के बेस पर आपको ये फाइंड आउट करना था कि विच ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. अगर आपने इन क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, बट अगर किया है तो प्लीज आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन, अपने सेंटर पर आपको इंस्ट्रक्शन जरूर दिया गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड पैसेस. इन दोनों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 13 की भी 14 की भी. इंस्ट्रक्शन ये था सीबीएसई का कि ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज नंबर 2, पैसेज 2 के बेस पर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में चेक करना था कि विच वन आउट ऑफ एबीसीडी, चारों में से विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट. आपको कंफ्यूजन भी हुआ होगा कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट लगे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है. यहां पर एक वर्ड आता है मोस्ट एप्रोप्रिएट. दो ऑप्शन सही हैं बट दोनों में मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई थिंक आई एम क्रिस्टल क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड इन क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज करेक्ट. आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर, जहां पर assertion और रीजनिंग का क्वेश्चन था. इन क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी विच इज आयरोनिकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 17 द टाइटल ऑफ द स्टडी शुड बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रोड किल्स. इन क्वेश्चन नंबर 17 आई रिपीट, इन क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 18 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. सो नाउ रीडिंग सेक्शन कम्स टू एन एंड. नाउ लेट्स मूव टू राइटिंग एंड ग्रामर. क्वेश्चन नंबर 19 से ही आपको राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया था. इसमें भी आपने आई होप इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कि एनी फाइव आपको करने थे, सिक्स में से फाइव करने थे. जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को. आई थिंक आपने मिस्टेक और कहीं भी कमिट नहीं किया होगा. आई डोंट सी वाई ब्लैंक बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन. तो बहुत क्लियरली ये दिख रहा था कि आई डोंट सी वाई यू शुड बोरो हिज बाइसिकल. यू शुड, यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 19 में ए. उम्मीद करता हूं आपने इन्हीं ऑप्शंस को टिक किया होगा. और आई विल प्रे टू गॉड आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें टर्म वन में. क्वेश्चन नंबर 20 में आए बेटा. माई फैमिली इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ. तो यहां पर बेटा देखिए माई फैमिली, इसमें बहुत ही क्लियर ऑप्शन दिख रहा था, माई फैमिली हैज बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ. माई फैमिली हैज बीन लिविंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इन 21 ब्लैंक द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू. तो शुड दिस लेटर, यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बेटा इफ नहीं होगा, इफ द लेटर अराइव, देखो नहीं हो सकता यहां, तो फिर अराइव होना चाहिए था, फिर यहां पर शुड लगेगा. शुड द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू, यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22 में इफ ही केम लेट, ही विल बी, शैल बी, शुड बी, वुड बी, ही वुड बी पनिश्ड. क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इफ ही केम लेट ही वुड बी पनिश्ड. क्वेश्चन नंबर 23, बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल विल बी रिंगिंग, विल हैव रंग, वुड हैव बीन रिंगिंग, वुड हैव रंग. बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल विल हैव रंग. 23 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इन 23 ऑप्शन बी इज करेक्ट.
आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में. 3 months ago, I, a student of this school, 3 months ago, कब की बात की जा रही है? 3 साल पहले की बात की जा रही है, तो पास्ट की बात की गई. सो 3 months ago, I was a student of this school. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वॉज. 24 में ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेट्स मूव टू राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 25 to 30. यहां पर भी 6 में से आपको 5 ही करने थे. एक लेटर है बेटा, आई थिंक लेटर को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा. यू आर अरुण, नियर द गेट ऑफ योर कॉलोनी देयर इज अ मोटर मैकेनिक्स वर्कशॉप, मैनी कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड द पेवमेंट एंड इवन बियॉन्ड, रिपेयर वर्क गोज ऑन, द सराउंडिंग्स हैव बिकम फिल्दी, वेरी डर्टी, पेडेस्ट्रियंस आर पुट टू ट्रबल. अरुण डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू कंप्लेंट, ऑफ कोर्स फॉर वाइडर ऑडियंस और लीडरशिप. आपको करना था 5. अब चेक करना है बेटा, बहुत ही क्लियर ऑप्शंस थे, इसमें से आपको ये लेटर किसको एड्रेस करना है. क्वेश्चन नंबर 25, द लेटर विल बी एड्रेस टू. अब देखो बेटा, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, तो यहां पर देखो एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सैनिटरी इंस्पेक्टर को थोड़ी ना लिखोगे, म्यूनिसिपल कमिश्नर को थोड़ी लिखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को तो लिखोगे नहीं, ये तो न्यूज एडिटर को लिखोगे, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखोगे. सो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी. आपको आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, आई कैचिंग भी होना चाहिए, सिंगल वर्ड में भी ना हो, कंप्लीट सेंटेंस भी ना हो, आई कैचिंग हो. तो यहां पर 26 में आप देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इन सैनिटरी कंडीशंस एट द कॉलोनी गेट. क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर एज. यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अ मैटर ऑफ सोशल कंसर्न. 26, ऑप्शन नंबर बी. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. ही विल अरेंज द कॉन्टेंट ऑफ दिस लेटर इन दिस वे. बेटा बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, दे ऑल आर यू नो द कॉन्टेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस लेटर. इसमें से प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में इन कॉन्टेंट्स को वो लेटर लिखते टाइम अरेंज करेगा. तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पर 28 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. पहले F आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, फिर E आएगा, फिर B आएगा. 28, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. 29 में व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट. 29 में ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, दैट द वर्कशॉप शुड बी शिफ्टेड टू समवेयर एल्स. ऐसा नहीं बेटा कि उस पर फाइन इंपोज करो या नोटिस दो, ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर जाए वर्कशॉप को. बेटा उससे बहुत लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड कर रही है, हम उस पर फाइन नहीं चार्ज करा सकते, हम उसको कहीं बंद नहीं कर सकते. हाँ, बेटर होगा कि उसको कॉलोनी से कहीं बाहर शिफ्ट कर दिया जाए. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट शुड बी शिफ्टेड. 29 सी. राइटिंग और ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. द करेक्ट क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी. तो यहां पर बेटा बहुत, अगर आपने गलती से भी योर्स फेथफुली कर दिया है तो मैं चाहूंगा बेटा जिन बच्चों ने पहला योर्स, ये तो गलत हो गया बेटा, योर के बाद एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है. अब डी में भी एपोस्ट्रॉफी लगा, ये भी गलत हो गया, यानी ए और डी आपके गलत हो गए हैं. अब आपको बी और सी में डाउट हुआ होगा, तो बेटा लेटर लिखते टाइम आपको बताया गया होगा योर्स सिंसियरली हम लिखते हैं, और सिंसियरली का ही अल्टरनेट होता है ट्रूली, ठीक है. तो मैं चाहूंगा बेटा कि अगर फेथफुली भी आपने किया है तो सीबीएसई को चाहिए कि इस पर मार्क्स दे, बट यहां पर जो एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इट इज योर्स ट्रूली. सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में ऑप्शन सी को नंबर दिया है, विच इज योर्स ट्रूली. सिंसियरली का ही अल्टरनेट है ट्रूली. तो यहां पर 30 का ऑप्शन नंबर सी है, सी इज द करेक्ट वन. नाउ लेट्स मूव टू लिटरेचर सेक्शन, जिसमें से आपको बेटा 31 to 60 में से 26 करने थे. 30 टोटल 30 क्वेश्चंस थे, आपको कोई भी 26 क्वेश्चंस के आंसर करने थे. इसमें कोई ऐसा नहीं था आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन से उतना ही करना है, टोटल 30 में से आपको 26 ही करने थे. तो जरा हम पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं, जो आपने बहुत क्लियरली समझ लिया होगा बेटा. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो. एज फॉर मैडी,
this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats, how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she did not live up on Boggins Heights or have a funny name. बेटा स्टोरी का एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है सबको. सबने आपने पढ़ा भी होगा कि द थ्री फ्रेंड्स पेगी वेंडा एंड मैडी. ठीक है, पेगी शी बिलोंग टू अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. बहुत रिच थी, ब्यूटीफुल थी वो. वेंडा शी वॉज अ पॉलिश गर्ल. शी वॉज ऑलवेज रिडिक्यूल्ड. शी वॉज ऑलवेज ह्यूमिलिएटेड बाई पेगी एंड मैडी. मैडलिन जिसे भी आप कह सकते हो. मैडी भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी बट शी नेवर स्टॉप्ड पेगी टू टीज वांडा. क्योंकि उसको ये डर रहता था इफ शी स्टॉप्स पेगी टू टीज वांडा पेगी वुड स्टॉप मेकिंग यू नो शी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की एंड शी वुड स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ मैडी जो खुद एक पुअर गर्ल थी. वांडा तो पुअर थी, वो हर दिन एक ही ड्रेस पहन के स्कूल जाती थी. बट मैडी के साथ भी कोई अलग नहीं था, वो भी एकदम पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी. जरा आते हैं बेटा ऑप्शन पर. क्वेश्चन नंबर 31. मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ पेगी, एज मच फन लविंग एज पेगी, अ काइंड सोल एंड पुअर, इन लव विद वांडा. तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आपको पैसेज में, पैराग्राफ में भी आपको दिख गया होगा कि मैडी वॉज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 32 में आए, टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन. 32 में ए इज करेक्ट. ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स. ए क्यों ट्रू है? मैडी वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स वांडा, ये सही है. मैडी डिड नॉट लाइक पेगी, दोनों तो फ्रेंड है, ऐसा क्यों करेगी वो. तो बी तो यही गलत हो गया बेटा. ए वन इज करेक्ट. सो 32 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. अगेन टू ऑप्शंस हैव बीन गिवन. मैडी ज्वाइंड एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है. तो आपको चेक करना है विच वन इज द कॉज एंड विच वन इज द इफेक्ट. चेक करिए, मैडी ज्वाइंड पेगी इन मेकिंग फन ऑफ वांडा. ठीक है, मैडीज पेरेंट्स वर पुअर. तो बेटा देखो आप यहां पर मैडीज पे बी जो है ऑप्शन नंबर, देखो यहां पर बी करेक्ट हो रहा है. 33 का बी ऑप्शन, बी इज द कॉज. बताया हमने मैडी ऑल्सो बिलोंग टू अ पुअर क्लास फैमिली, हर पेरेंट्स वर, शी वॉज ऑल्सो पुअर गर्ल. और इसी का जो इफेक्ट है, ए उसका इफेक्ट है, दैट्स वाई शी ऑल्सो ज्वाइंड पेगी टू मेक फन ऑफ वांडा पेट्रॉन्स्की. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो बी कॉज है, ए उसका इफेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 34. बॉगिन्स हाइट्स इज सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी एज. तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इट्स अ पुअर एरिया, पुअर लोकैलिटी, पुअर नेबरहुड. क्वेश्चन नंबर 35. मैडी वॉज, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. पुअर है यट सिंपैथेटिक गर्ल है, काइंड हार्टेड है. मैडी वॉज 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स The postmaster went to open it and it said, I think आप समझ गए होंगे, the extract is from a letter to God. ये जब लेंचो को 70 पैसोज मिलते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है. उसको ये बताया, लेंचो had unshakable, strong faith in the Almighty. उसको यकीन नहीं हुआ कि how can God commit such a blunder. उसको यही स्ट्राइक करता है उसके माइंड में कि जरूर जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, दे मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट. तो वो सेकेंड टाइम लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि गॉड आई एम इन डायर नीड ऑफ 100 पैसोज और मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए, बट डू नॉट सेंड द रिमेनिंग अमाउंट बाय दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बिकॉज दे आर करप्ट पीपल, दे आर द बंच ऑफ क्रूक्स. ये फ्रेज यूज करता है. तो ये वही की बात है कि पोस्टमास्टर का रिएक्शन देखिए. पोस्टमास्टर हुआ था काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी सिंपैथेटिक, वेरी एम्पैथेटिक पर्सन. बाद में उसके काइंड हार्टेड नेचर को भी अब्यूज किया जाता है. लेंचो ने उस पर भी ट्रस्ट नहीं किया. तो स्टोरी एक मैसेज देके जाती है कि कई बार बेटा योर हार्डवर्क, योर ऑनेस्टी, योर काइंड हार्टेड बिहेवियर, योर जेनरोसिटी, योर एमिएबल नेचर
many times it is abused by people. People do not give the importance to all these qualities, but it does not mean that you will stop being a kind-hearted person, a good person. तो पोस्टमास्टर ये बड़ा आयरोनिकल था उसके लिए यहां पर. तो ये सेकेंड टाइम जब लेटर पोस्ट होता है तो पोस्टमास्टर अगेन ओपेंड इट और उसमें क्या लिखा था देखो, लेटर सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो, यहां पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36. लेंचो रोड द सेकेंड लेटर एज ही वॉज. वो सेकेंड टाइम लेटर क्यों लिखता है? तो बहुत सारे देखो यहां पर आपको क्वालिटीज दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है. तो बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यहां पर बेटा लेंचो वॉज अनहैप्पी ऑल्सो, लेंचो वॉज होपफुल कि गॉड जरूर सेंड करेगा, और कॉन्फिडेंट भी था. क्योंकि आपने देखा होगा व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम गॉड, वो जरा भी सरप्राइज नहीं होता है. उसको तो पता था, ही हैड अ वेरी फर्म फेथ इन गॉड, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड कि गॉड मेरे लेटर का रिप्लाई तो करेगा ही. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 36 का ए. क्वेश्चन नंबर 37 में अगर हम आए, द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू. व्हेन द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर, व्हाट हैड ही एक्सपेक्टेड? तो यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी बोथ. मींस उसने सोचा कि शायद लेंचो ने गॉड को थैंक भी दिया होगा और अपनी हैप्पीनेस भी दिखाई होगी, बट लेंचो ने तो अपनी हैप्पीनेस तो दिखाई नहीं थी. लेटर में तो ब्लेम किया था, दीज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रूक्स. तो यहां पर 37 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38, ऑन रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज, पढ़ने के बाद जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर? सरप्राइज था, डिसमेड था, प्लीज्ड था, पजल्ड था. तो सरप्राइज भी नहीं था बेटा, खुश भी नहीं था, पजल्ड और परप्लेक्स्ड भी नहीं था, वो डिसमेड था. बड़ा दुखी हो जाता है, डिसमेड, सॉरोफुल हो जाता है. तो 38 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 39 में, क्वेश्चन नंबर 39, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, दिस स्टेटमेंट इज थॉटफुल है. कहां से थॉटफुल है ये? सैड है, डिसमिसिव है और आयरोनिकल है. इट्स आयरोनिकल स्टेटमेंट. आयरनी क्या है बेटा? कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी काइंड हार्ट नेचर, आपकी जेनरोसिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. पोस्ट मास्टर ने इतनी हेल्प की, इतना हेल्पफुल नेचर है उसका, पोस्टमास्टर का इतना एमिएबल, इतना फ्रेंडली, इतना काइंड हार्टेड, जेनरस एटीट्यूड है. उसने अपने पोस्ट ऑफिस पर्सनल से भी पैसे कलेक्ट किए, तो उसकी उसकी जेनरोसिटी को कहीं से भी रिकॉग्निशन नहीं मिला. तो ये आयरनी है. तो यहां पर 39 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग. सैंक्शन का अप्रूव सिनोनिम है, आपको अब सिनोनिम से ही मैच करना है. जैसे सैंक्शन का सिनोनिम है अप्रूव, वैसे डिमांडेड का आस्क्ड. 40 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिमांडेड, आस्क्ड. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोयम अ टाइगर इन द जू, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज. इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट इज टेलिंग वेयर शुड द टाइगर एक्चुअली बी. द टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट, द टाइगर इज कन्फाइंड, ही इज पुट बिहाइंड द बार्स, हिज स्ट्रेंथ इज लिमिटेड. टाइगर कैन नॉट एंजॉय, टाइगर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट. तो यहां पर बताया जा रहा है कि टाइगर को एक्चुअली होना कहां चाहिए और वो है कहां पर. क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर आपने प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यहां पर देखो बेटा, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग. ए स्टेटमेंट सही नहीं है, बी सही है. सो 41 का बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग. सी और डी में बिल्कुल कहीं से कोई, हाँ सेम था, सी और डी सेम था, बट वो ऑप्शन सही नहीं थे. ऑप्शन बी सही है. 42 में आइए, वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एज
हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? दे आर मैजेस्टिक टू लुक एट, देखने में अच्छे होते हैं इसलिए, रीगल हैं, रॉयल लगते हैं इसलिए, दे अट्रैक्ट विजिटर्स टू द जू, दे आर फेरोसियस, डेंजरस हैं इसलिए, और दे आर पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट, या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैं, ये एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। यस, 42 को ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दे आर द पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स एज, कैसे? बाय किलिंग देयर कैटल, एज ही डज नॉट लाइक टू बी हंटेड, वो नहीं चाहता उसको हंट किया जाए, एज दे हैव क्लियर देयर हैबिटेट, लोगों ने उसके नेचुरल हैबिटेट को क्लियर कर, ये दोनों ऑप्शन पोएम में तो कहीं मेंशन है नहीं। He has got tired of being in the forest. वो थक गया है। तो यहां पर बेटा देखो, tiger terrorizes the villagers by killing, by hunting their cattle, उनकी cattle को hunt करके। So option number 43 का option number A is correct. 44 में आइए, A tiger in the zoo ignoring visitors is an example of, it is an irony. Metaphor कहीं से है नहीं, simile personification है नहीं। यहां पर 44 में टाइगर जू में है, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ही हैज नो इंटरेस्ट इन द विजिटर्स, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है, उसकी स्ट्रेंथ को हमने कन्फाइन कर दिया है, उसकी फ्रीडम को हमने लिमिट कर दिया है। तो यहां पर बेटा आयरनी है, 44 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45, क्वेश्चन नंबर 45, द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इंप्रिजनमेंट इन द जू बाई, वो कैसे रिएक्ट करता है? पोएम की लास्ट लाइन है, ही कंटिन्यूअसली लुक्स, he is deprived of sleep, he only listens the sound of patrolling cars and ignores the visitors, he is not sleeping also, he is deprived of sleep, he continuously looks at the bright and starry night and he ignores the visitors by ignoring, 45 ka option number D is correct, by ignoring the visitors. Next extract par aate hain beta, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये एक्सट्रैक्ट तब की बात है बेटा कि वेन जैक ग्रिफिन हुआ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, ही डिस्कवर्ड द फॉर्म्यूला ऑफ इनविजिबिलिटी, बट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस ही बिकेम, ही अप्लाइड दैट फॉर्म्यूला ऑन हिम, ही प्रोसेस्ड हिमसेल्फ एंड ही बिकेम इनविजिबल। इन द बिगिनिंग, इनिशियली ही थॉट दैट इनविजिबिलिटी वॉज अ बून, बट As days passed, he started feeling that invisibility was not only a boon, it had turned into bane. It had not only advantages, but it had drawbacks as well. तो यहाँ बेटा कब की बात है देखो, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints. Starting की line है, when the two children were following the footprints, and after some time, the footprints disappeared. But his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. Now he is facing disadvantages of invisibility. It was chilly winter season. There was nail biting cold, tooth biting cold. December month. He had no food, no clothes, no shelter. He is wandering from one place to another. Kya kare? Ab dekho beta, 46, question number 46. The greatest problem for the invisible man was that, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विदाउट क्लोथ्स ही वॉज फीलिंग कोल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47, ही कुड एस्केप फ्रॉम द बॉयज एज, वो बच्चे, द टू चिल्ड्रन हु वर कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स, वो कैसे एस्केप करता है? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ही वेंट अलोंग अ स्ट्रीट वेयर देयर वॉज नो मड, पहले तो मडी थे, एंड वेरी आफ्टर सम टाइम The mud disappeared, the mud became dry and footprints disappeared. So 47 ka option number D is correct. Question number 48, two statements are given. It was stupid on his part to come out on a winter night. Yes, ye bhi sahi hai. He was not completely stupid though, lekin itna stupid bhi nahi tha. To beta yahan par option number C is correct. 48 ka option number C is correct. Both A and B are correct statements. 48 ka C. Question number 49, after getting rid of the boys, the invisible man felt, जब बच्चों से उसका पीछा, बच्चों ने पीछा करना जब बंद कर दिया, when footprints disappeared, तो कैसा फील करता है? बड़ा comfortable फील करता है, relieved फील करता है। तो यहां पर देखो, partly relieved है,
पूरी तरीके से रिलीफ नहीं था ना बेटा, क्योंकि पूरी तरीके से रिलीफ का मतलब वो खुश था ऐसा तो था नहीं, ही फेल्ट पार्टली अब लिटिल बिट रिलीव्ड कंफर्टेबल। सो 49 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द फ्रेज क्वेश्चन नंबर 50, द फ्रेज स्लिप इन टू, स्लिप इन टू का मतलब कहीं पर साइलेंटली एंटर करना, स्टेल्थली एंटर करना। तो यहां पर देखो बेटा वो लंडन स्टोर में बहुत ही साइलेंटली स्टेल्थली एंटर करता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंटर क्वाइटली, एंटर साइलेंटली और स्टेल्थली, 50 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं बेटा 51, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, डस्ट ऑफ स्नो का है। अब देखो बेटा व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ, लास्ट में पोएट का मूड कैसा हो जाता है। यहां पर क्रो, ब्लैक क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, व्हेन द ब्लैक क्रो फ्लटर द विंग्स एंड डस्ट ऑफ स्नो द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ स्नो स्टार्टेड फॉलिंग अपॉन द पोएट, हाउ डिड ही फील, हिज मूड वॉज ड्रास्टिकली चेंज, ही बिकेम हैप्पी, ही बिकेम होपफुल, ही बिकेम ऑप्टिमिस्टिक। तो यहां पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैप्पी। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एन फ्रैंक कहती है ना पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, आप लोगों में कन्फाइड नहीं कर सकते हो, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन कन्फाइड इन द पेपर, यू कैन पेन डाउन योर थॉट्स, योर फीलिंग्स इन टू द पेपर बिकॉज इट विल नॉट शेयर इट टू एनी वन एल्स। 52 का पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, ये ट्रू नहीं है। बाकी सारे देखो आप पेपर में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब अपने कोई भी थॉट्स को लिख सकते हो, वन कैन राइट वंस डायरी इवन एट नाइट, कभी भी लिख सकते हो, वन में एक्सप्रेस वंस एंगर ऑन द, किसी खुश हो तब भी लिख सकते हो, गुस्सा हो तब भी लिख सकते हो, बट यहां पर देखो लिसनिंग की कोई बात नहीं, किसी को सुनाना थोड़ी है, पेपर किसी को सुनाएगा थोड़ी, सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 53, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, आपने इसको जरूर सही किया होगा। यहां पर बेटा 53 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के लिए, सेकेंड है कंट्री के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फर्स्ट टू हिज फैमिली सेकेंड टू हिज कंट्री, 53 का बी। 54 का ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, हाउ डिड ही फील, ये बेटा फर्स्ट फ्लाइट का है, यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट जब हुई, तो यहां पर बेटा व्हेन ही सॉ दैट हिज ब्रदर वॉज एंजॉइंग, हिज ब्रदर वॉज रेलिशिंग द फिश, तो उसको कैसा फील हुआ, ही फेल्ट जेलस, 54 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जेलस। क्वेश्चन नंबर 55, मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद एन एज, सीधा सा ऑप्शन है, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, ब्लैदरस्काइट थी, बहुत टॉकेटिव गर्ल थी, शी यूज्ड टू टॉक टू मच इन द क्लास, 55 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द लॉस ऑफ अ पोजिशन शुड मेक वन फील, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, द बॉल पोएम का है जॉन बेरीमैन की, कि वन शुड अंडरस्टैंड द टाइप एपिस्टेमोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लॉस, जो चीज हमने खोया है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी, और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू स्टैंड अप एंड रिकवर, फेस दैट लॉस विद पेशेंस। तो यहां पर बेटा जब हम कोई चीज खोते हैं तो चीजें हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, एंग्री सैड केयरलेस तो हो नहीं सकता, जब हम जैसे जैसे हम चीजों को खोते जाते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते जाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल बनने लगते हैं, तो 56 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द ब्लैक एरोप्लेन इज, कैसी स्टोरी है, गोस्ट है, एडवेंचर है, मिस्ट्री है, द ब्लैक एरोप्लेन, क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर ट्रिकीज प्रेजेंट कंडीशन, दो ऑप्शन है,
बोथ मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी आर टू ब्लेम, ओनली ट्रिकी इज टू ब्लेम. बेटा ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. केवल ट्रिकी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मिसेस पम्फ्री भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जो उसको खूब सारे चॉकलेट दे रहे हैं, कैंडीज दे रही हैं, ठीक है, स्वीट्स दे रही हैं खाने के लिए, हॉर्लिक्स दे रही हैं, फिश ऑयल दे रही हैं, ठीक है. तो मिसेस पम्फ्री भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ट्रिकी तो रिस्पॉन्सिबल है ही. तो यहां पर 58 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 59, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल एज द थीफ्स स्टोरी का है. 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ही नेवर कंप्लेन्ड. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल एज ही नेवर. अनिल बहुत सिंपल पर्सन है, उसने वो कभी किसी बात को ले कंप्लेन नहीं करता, सीधा साधा आदमी है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ग्रिफिन बिकेम अ होमलेस वांडरर बिकॉज ही. वो इधर उधर घूमने वाला नोमैडिक लाइफ जीने लगा, नेकेड है, फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, शेल्टर नहीं है. ऐसा कैसे हुआ उसके साथ? रीजन स्टार्ट वहीं से हुआ बेटा, when he set fire to his landlord's house. अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ा हो तो ग्रिफिन ने क्या किया था, आउट ऑफ एंगर ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर और वो एस्केप कर जाता है वहां से. ही वॉज बर्निंग इन द फायर ऑफ रिवेंज और उसने अपने मकान मालिक लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा दी थी और उसके बाद से ही सारी चीजें शुरू हुई. तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, he had set to his landlord's house on fire. So I hope that you will score wonderful marks, good marks in your examination. So with this, I wish you all the very best and very soon I will be back with new topics and new videos. Till then, goodbye. Thank you so much.